नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास है भीगे हुए बादाम। जी हाँ दोस्तों, एक जो नॉर्मल बादाम होता है वह साइज में इससे थोड़ा पतला होता है, लेकिन जब हम बादाम को इस प्रकार से रात भर अगर भिगो देते हैं तो सवेरे यह फूल जाते हैं। तो इस प्रकार के कुछ बादाम खाने के सेहत को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वही सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। फ़ायदे बताने से पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन अगर आप 4 से 5 इस प्रकार के भीगे हुए बादामों को खाते हैं तो आपसे बीमारियां तो दूर रहती ही, आपकी बॉडी को ताकत भी मिलती है। बादाम में पाए जाने वाला मिनरल्स, विटामिन और फाइबर आपको ब्लड प्रेशर से लेकर वजन बढ़ाने तक की समस्या से बचाता है। दिल के रोगियों के लिए भी बादाम का सेवन बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, आपको बादाम को दूध के साथ या फिर इस प्रकार जैसे हम भिगो कर रखा हुआ है इस प्रकार भी आप खा सकते हैं। प्रतिदिन 4 से 5 बादाम खाने के अब रामबाण जो फायदे होते हैं वो अब आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप किसी भी प्रकार के तनाव से जूझ रहे हैं तो उस लिहाज से ये भीगे हुए बादामों का सेवन करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्योंकि बादाम में पाए जाने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो तनाव से आपको राहत प्रदान करेंगे। इसके सेवन से आप खुद को फ्रेश व दिमागी रूप से फ्री महसूस करेंगे। रोजाना बादाम का सेवन करने वाले लोगों को डिप्रेशन होने की संभावना भी नहीं रहती है। याद रहे, एक मात्रा में ज़्यादा बादाम खाना आपको नुकसानदायक भी दे सकता है। इसलिए दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ज़्यादा बादाम खाइए, लेकिन अगर 2 से 3 बादामों को रोज खाया जाए तो ये पूरी तरह से हेल्दी होते हैं। अगला इसका फ़ायदा दोस्तों, शुगर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जी हाँ, डायबिटीज़ रोगियों के लिए बादाम का सेवन रामबाण की तरह एक कार्य करता है। इसमें पाए जाने वाला वसा, प्रोटीन और फाइबर मैग्नीशियम मधुमेह रोगियों को लाभ प्रदान करता है। प्रतिदिन बादाम का सेवन करने से बॉडी में इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा दिल के रोगियों के लिए भी बादाम बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। रोजाना 5 बादाम खाने से बॉडी में α1 LDL का लेवल बढ़ता है। दोस्तों, α1 HDL से कोलेस्ट्रॉल के बढ़ते स्तर को कम करने में मदद करता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रतिदिन बादाम का सेवन करें। इसके अलावा दोस्तों, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, बादाम को सुखा कर या फिर इस प्रकार भिगो कर खाने से हड्डियाँ मजबूत बनती है। बादाम में फॉस्फोरस, मैग्नीशियम व कैल्शियम जैसे गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, आपके बढ़ते वजन को कम करने में भी यह बहुत ज़्यादा सहायक होता है। प्रतिदिन 4 से 5 बादाम का सेवन करने से आपकी बहुत कंट्रोल में रहती है, जिससे आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। और जब आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो आपका जाहिर सी बात है वजन नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में भी ये बहुत यूज़फुल होते हैं। कब्ज़ को दूर करने में भी ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बादाम का सेवन करने से कब्ज़ में राहत मिलती है। इसका सेवन करने से भोजन पचाने में मदद होती है, और 4 से 5 बादाम खाने के बाद 1 गिलास अगर आप पानी पिए तो इससे कब्जियत दूर होती है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये थे आलमंड्स के हेल्थ बेनिफिट्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल में हम आपके लिए इसी प्रकार की हेल्थ जानकारी लेकर आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।